नमस्कार। दिव्यांग बच्चों को फिजिकली एक्टिविटीज कराने के लिए हमें किस प्रकार की रणनीतियां बनानी चाहिए और साथ में इन फिजिकल एक्टिविटीज से यानी गेम से दिव्यांग बच्चों को कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन दो टॉपिक्स के बारे में आज की क्लास में हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सके। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो ये दिव्यांग बच्चे होते हैं, इन दिव्यांग बच्चों में और जो एक नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल चाइल्ड एंड फिजिकली डिसेबल्ड या मेंटल डिसेबल्ड जो चाइल्ड होते हैं, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के जो बच्चे होते हैं ये गेम में पार्टिसिपेट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो हमें समझना है, यानी जो विकास, जो डेवलपमेंट, जो बेनिफिट्स हमें एक नॉर्मल चाइल्ड को गेम में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने से मिलते हैं, वो सभी बेनिफिट्स हमें एक दिव्यांग चाइल्ड को भी गेम में पार्टिसिपेट कराने से मिल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं, आप अपने आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई स्टूडेंट या कोई कह सकते हैं बच्चा जो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो अगर गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसकी इच्छा उस गेम में पार्टिसिपेट करने की, तो उससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। यानी सबसे पहली बात यह है, उसका जो फिजिकली और जो मेंटली डेवलपमेंट है वो गेम में पार्टिसिपेट करने से होता है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ उसके चलते हैं। सपोज दैट अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो उसका हेल्थ इंप्रूव होगी, यानी जो गेम में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो स्ट्रांग होगा, उसके बॉडी पार्ट्स स्ट्रांग होंगे और साथ ही उसका जो हेल्थ का जो लेवल है वो हाई होगा, यानी ऊपर बढ़ेगा, वो इंप्रूव होगा। साथ ही उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी। जब कोई अपनी मनचाही एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो उससे उसके जो मन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जिससे उसकी बॉडी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करती है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो साथ में होता है। जो मेंटल डिसेबिलिटी है उसको भी क्योर करने में ये बहुत हेल्पफुल है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर कोई बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज में यानी गेम्स में पार्टिसिपेट करता है तो उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसका वो हाई होता है, वो समाज की एक मुख्य धारा में आता है, वो दूसरे बच्चों के साथ जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके साथ में खेलता है तो उससे एक इंटीग्रेशन की जो भावना है उसका यहाँ पर विकास होता है, संचार होता है, भाई बंधुत्व की भावना का विकास होता है और उसको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, यानी वो किसी से अलग नहीं है, सब एक जैसे है, ये भावना उन सभी के बीच में आती है। स्ट्रेस और यानी तनाव और एंग्जाइटी यानी चिंता, ये दो टर्म ऐसे हैं जो आज के समय बहुत ज्यादा हो रहे हैं समाज में, देखते हैं हर कोई व्यक्ति नॉर्मल इंसान भी इन दोनों चीजों से ग्रसित है। तो ये यानी तनाव और चिंता से मुक्त करता है हमें फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। अगर दिव्यांग बच्चा ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो उससे उसको तनाव को कम करने में और चिंता को दूर करने में बहुत बेनिफिट मिलता है। साथ ही यहां पर उस बच्चे का जो एक एकाग्रता का लेवल यानी कंसंट्रेशन जो लेवल है वो हाई होता है, एकाग्रता उसकी बढ़ती है। अगर वो किसी भी काम में ध्यान देगा तो उसमें वो अपना काफी हद तक अपना बेस्ट कर सकता है। एजुकेशन में भी उसका जो माइंड है वो लगना शुरू हो जाता है, यानी हम खेल खेल में उन बच्चों को एजुकेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि हम क्या करवा रहे हैं और वो गेम में इंटरेस्ट लेंगे, और खेल खेल में एजुकेशन देना आज की एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी बनती जा रही है जो नॉर्मल बच्चों के ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटीज कराने से बहुत सारे बेनिफिट हैं, हेल्थ डेवलपमेंट होता है उसका, एकाग्रता बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका चिंता और तनाव से उसे मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से बहुत सारे बेनिफिट्स फिजिकली डिसेबल्ड और मेंटल डिसेबल्ड बच्चों को हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरे टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमें ध्यान में रखनी है एक फिजिकल एजुकेशन यानी स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम से वो तैयार करते समय हम कौन कौन सी हमें स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखना चाहिए, चलिए एक एक करके इनको हम समझते हैं। देखिए, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल
जो बच्चे होते हैं उनमें एक डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए गेम्स के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो अलग होते हैं और गेम्स भी उनके अलग ही होते हैं। वो दिव्यांग बच्चों की तरह गेम्स नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम दिव्यांग बच्चों के लिए गेम के लिए रणनीतियां बनाते हैं, उन फिजिकल एक्टिविटीज के लिए रणनीतियां बनाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि वो हमें ऐसे गेम्स का सिलेक्शन करना है जो उन बच्चों के लिए अनुकूल हो, जिससे वो उन एक्टिविटीज में आसानी से पार्टिसिपेट कर सके और अपना अच्छा परफॉर्मेंस उसमें दे सके। हमें अलग अलग डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग गेम्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि जब हम उस गेम में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे, उन दिव्यांग बच्चों को वहां पर पार्टिसिपेट कराएंगे, तो उससे पहले उनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है जिससे कि वो गेम के दौरान उनको कोई समस्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़े। तो डॉक्टरों का वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बात करते हैं गेम कंडक्ट कराने की, तो वहां पर जो खेल के जो नियम है वो नियम हमारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उनके अनुकूल होने चाहिए। जो दिव्यांग बच्चे हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन प्लेयर्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो आसान होने चाहिए जिसको वो आसानी से अप्लाई कर सके अपने ऊपर, वहां पर उनको आसानी से समझ सके, उनसे वो आसानी से उस गेम को खेल सके। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर कि जब हम वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी वो वहां पर कराते हैं या फिर वहां पर सिखाते हैं, तो सबसे जरूरी चीज ये है कि एक जो ट्रेनर है जो उस एक्टिविटीज को उनको सिखाएगा वो अच्छा होना चाहिए, जो उनकी प्रॉब्लम को समझे, उस गेम के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हो और उन बच्चों के बारे में भी अच्छी नॉलेज रखता हो कि किस प्रकार से हमें हैंडल करना है। पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर चाइल्ड, पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के चाइल्ड के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ट्रेनर भी होना चाहिए। एक बेस्ट ट्रेनर हमारा वहां पर होना चाहिए जो उस गेम में उस स्ट्रेटजीज को फॉलो करा सके। नेक्स्ट बात आती है आपकी जो इक्विपमेंट्स है, वो इक्विपमेंट्स हमारे उस खेल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, आसान और अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जैसे व्हील चेयर वाले बच्चे हैं उनके लिए हम वॉलीबॉल कंडक्ट करा सकते हैं या फिर टेनिस करा सकते हैं। तो अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग फिजिकली डिसेबिलिटी से जो ग्रसित जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग हमें स्पोर्ट्स जो है सिलेक्ट करना है, और उनके अकॉर्डिंग ही हमें जो इक्विपमेंट्स है वो हमें सेलेक्ट करने हैं कि ये इक्विपमेंट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बहुत सुटेबल है विकलांग बच्चों के लिए, उन दिव्यांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट बात आती है केयर की, तो उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। वहां पर हमारी एक मेडिकल टीम होनी चाहिए और वहां पर हमारे वॉलंटियर्स होने चाहिए जो वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, जो उनको वो हेल्प दे सके। और जो हमारा एनवायरमेंट है वो सुटेबल एनवायरमेंट होना चाहिए उस फिजिकल एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए, उस गेम को वहां पर करवाने के लिए। एटमॉस्फेयर भी ठीक होना चाहिए और वहां का जो समाज है वो भी उस चीज को एक्सेप्ट करे। देखिए जो आजकल की जो पेरेंट्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, जो समाज है, वो सोचता है कि अगर हम इनको गेम में पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उनसे उनको चोट लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो बच्चा अपना गेम में पार्टिसिपेट करता है तो उससे उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें उस गेम में उनको पार्टिसिपेट कराना है। जो हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो स्ट्रेटजी बनाते समय हमें एक ये भी पॉइंट ध्यान में रख के चलना है कि हमें पेरेंट्स को किस तरीके से कन्विंस करना है जो वो अपने दिव्यांग बच्चों को उसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने के लिए एग्री हो जाए। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हमें फॉलो करनी है, इनके अकॉर्डिंग हम उन जो दिव्यांग बच्चों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका असेसमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर गेम के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास में इतना ही जो हमने समझा है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही अच्छे टॉपिक के साथ में हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।